दवाई मत का बाहर जाके दिखाया तो रात को अगर ज्यादा हो गया एडमिट होना पड़ेगा। और चीकू को अभी अभी मैंने ट्यूशन भेजा झूठ बोल के। 6 महीने मुझे लगे वेट लूज करने में और मैंने क्या क्या लिया है डाइट में वो सब मैं आपको बता दूंगी। तो ये जो फोटो देख रहे हैं आप अरे सूट पायल को आ गया बहुत ही सुंदर लग रहा है पाकिस्तानी सूट पायल पतले फिटिंग है बिल्कुल। तो आज एक काम कर बोलते ना कि घर में बड़े बुजुर्ग का होना बहुत जरूरी है तो जैद ने मेरा कैमरा पकड़ लिया। जैद मैं बता रही हूँ ऑयल के बारे में रुक जाओ। क्यों क्या बिल्कुल आप तो ब्लॉगिंग करने नहीं दे रहे बेटी क्या तो खुद कर लो। मैं काम करती हूँ मैं नहीं करती ब्लॉगिंग आप भी करो। दोनों हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब होप करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो गाइस अभी बज गए हैं सुबह के 11 और जस्ट मैं अभी उठी हूँ और मेरी तबीयत हो रही है बहुत ज्यादा गर्म वास्ते लग रहा होगा कोल्ड हो रहा है। कोल्ड की मेडिसिन मैंने रात को ही मंगवा दी थी पर जो स्नीजिंग है वो बिल्कुल भी नहीं रुकी और प्लस ना कोल्ड रनिंग है मेरा। तो अभी कुछ खाती हूँ और खा के फिर लेती हूँ मेडिसिन। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग टू बा गुड मॉर्निंग अयान गुड मॉर्निंग सबका गुड मॉर्निंग बोल दिया ठीक है बाबू ओके मैं बता दूंगी सबको। बाकी गाइस थैंक यू सो मच बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स आए राइस सेरेमनी को लेकर जैद के रिएक्शन पे। जैद ने जैसे खीर खाई बहुत सारे मतलब मैंने जितने भी कमेंट्स पढ़े ना सारे इतने प्यारे थे बहुत ही अच्छा लगा कि आपको राइस सेरेमनी अच्छी लगी है। थैंक यू बोल दो सबको थैंक यू बोल दो थैंक यू गाइस। अब देखो जब मैं बोलने को बोल रही हूँ तब नहीं बोल रहा है लड़का तो सब बच्चों को ना सॉक्स पहना दिए क्योंकि ना ठंड हो रही है हल्की हल्की इसलिए सॉक्स पहना कर भी शॉक्स की पहनी हुई है। दोनों भाई सेम सेम कपड़े पहनते है भाई का टॉय गिर गया था भाई ने पीछे से उठा भी लिया पता भी नहीं चला हमको कुछ पता नहीं चलता। कोल्ड ना सबसे ज्यादा बुरा होता है मतलब कि आपने आपकी ना सोचने समझने की शक्ति है ना वो सारी खत्म हो जाती है और कोल्ड की वजह से ना मुझे कुछ सुनाई कुछ भी नहीं दे रहा गाइस। बस मैंने शांति को बोला मैंने कहा शांति प्लीज मेरे को थोड़ी सी चाय दे दे नाश्ता दे ताकि मैं दवाई खा सकूं बार बार ना ऐसे मन हो रहा है लेट जाऊं कहीं पे भी कुछ भी दिख रहा है ना वहाँ पे लेट रही हूँ मतलब बिल्कुल एक्टिवनेस ना खत्म हो गई है। चीको कम हियर आओ खा लंच करे ब्रेकफास्ट जो भी है आ जाओ ना बेटा सुने। तो गाइस आज ना घर पे ऋत्विक आया हुआ है ऋत्विक है शांति का बेटा जिसे ना कुछ टाइम पहले जॉन्डिस हो गया था मैं और पायल ना से मिलने के लिए गए थे तो सामने ना दोनों खेल रहे हैं चीको और ऋत्विक। हेलो ऋत्विक तो यहाँ पर ना कोई सिटिंग का अरेंजमेंट करना पड़ेगा क्योंकि क्या अभी बच्चों के गद्दों में बैठ के यानी ब्रेकफास्ट किया ना और अभी काम करती हूँ यहाँ से उठ के ना चीकू को ब्रेकफास्ट करा देती हूँ क्योंकि ये जो लड़का है ना ये ब्रेकफास्ट नहीं करेगा नहीं तो खुद से। यार एक ब्रश के साथ पोपट हो गया क्या खराब है ये? नहीं खराब नहीं आई है एक ना स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश मंगवाया था मैंने तो लक्ष्य कह रही की दीदी एक बड़ा ब्लेंडिंग ब्रश मंगवा दो जैसे आई मेकअप के लिए 3 ब्रश चाहिए होते हैं ना एक तो एक बड़ी वाली आइस के लिए ऊपर ब्लेंड करने के लिए नीचे ब्लेंड करने के लिए और एक होता है वाई शेडो वाला ब्रश तो 3 चाहिए होते हैं तो एक हमारे पास था अच्छा तो एक मंगवाया मैंने इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है पैक का है और ये तेरा फेवरेट ब्रश है बता तो दे इसके बारे में। हाँ गाइस ये मेरा फेवरेट ब्रश है 2018 से ये है 1200 रुपए का और ये 2018 से मैं इससे फाउंडेशन लगाती थी और इससे फाउंडेशन बहुत अच्छा लगता है सीरियसली तो आज मैंने इससे लगा के आपको दिखाऊंगी फाउंडेशन। और एक मैंने तेरे लिए ये मंगवाया कंटूर और ब्लशर ब्रश 2-in-1 कंटूर तो मेरे को करना ही नहीं आता कोई बात नहीं कभी तो करेगी कंटूर और ब्लशर ब्रश निकालती हूं। इसकी ब्रशेस अभी भी वैसी ही है ना जैसे पहले थी बट ये कलर डिफरेंट पर कलर चेंज हो गया। हाँ पहले वहाँ पर डार्क ऑरेंज का सेट अभी तक इसका ब्लशर ब्रश मेरा फाउंडेशन इतना प्यारा लगता था ना गाइस जाना होगा ना तो जितना मतलब मुझे ना वो यूज नहीं करना आता ब्यूटी ब्लेंडर इतना अच्छा ये अच्छा दवाई मत का बाहर जाके दिखाया दवाई तो होटल में दिखाया नहीं तो रात को अगर ज्यादा हो गया एडमिट होना पड़ेगा। चीको पापा वही कह रहे थे कि फिर क्या हो गया अचानक से ना एक डॉग का एक्सीडेंट हो गया तो लेके जा रहे थे फिर वो वहाँ चले गए कह रहे गोली तेको पायल ले जाएगी हॉस्पिटल ना खाऊं दवाई चल तू और मैं चले चल मैं एक रोटी खा लूँ बस मैं लेके चलती हूँ ठीक है खा ले। तो आज गोलू की तबीयत खराब है उसे दवाई देके सर दर्द की और उसकी फीवर की सुला दिया उसे कोल्ड हो रहा है कोल्ड की वजह से जो है फीवर हो गया है और ना व्लॉग बनाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है क्योंकि जब तक गोलू व्लॉग में नहीं होते ना व्लॉग का मजा नहीं आता। और चीकू को अभी अभी मैंने ट्यूशन भेजा झूठ बोल के कि मैडम ने खेलने के लिए बुलाया अगर मैं नहीं बोलती खेलने के लिए नहीं बुलाया तो वो कभी ट्यूशन नहीं जाता और उसका कल जो है टेस्ट है हिंदी का। तो बस मैं अभी नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ गोलू को डोलो दी थी उसका फीवर तो उतर गया लेकिन फिर भी ना क्योंकि वायरल है स्टार्टिंग है वायरल की ये ना हो कि गोलू को ज्यादा बीमार हो जाए गोलू तो उसको जाते हैं हॉस्पिटल दिखा देते हैं और देखते हैं क्या बता रहे हैं डॉक्टर। तो फिलहाल मैं और गोलू दोनों रेडी हो चुके हैं हम लोग जा रहे हैं बाहर मार्केट और मार्केट हमारा जाना इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि हम लोग कल जा रहे हैं एक इवेंट पे राजस्थान हमारे जो मामा और नाना है ना जो मामा जी आए थे राजू मामा जी उनके यहाँ पे एक फंक्शन है वहाँ पे हमें बुलाया गया है तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं और वहाँ के अकॉर्डिंग हम दोनों को सूट लेके आने हैं। और वैसे तो कहते हैं कि शराब में कोई भी नई चीज नहीं लेनी चाहिए लेकिन उसका ना अगर कोई जरूरत पड़ जाए और जरूरी लेना पड़ जाए तो उसका कोई ऑप्शन होता है वो मैं आपको बता देती हूँ कि आप कैसे ले सकते हैं। तो जैसे कि आप सबको पता
पता है मेरे को अर्जेंट मेरे को गोलू को सूट लेके आना है, तो मैंने अभी अभी यूट्यूब पे पूरा अच्छे से समझा है कि हम लोग क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते श्राद्धों में। तो श्राद्ध में नमक और तेल और झाड़ू, ये तीन चीजें नहीं लेनी चाहिए। सरसों का तेल ये नहीं लेना चाहिए। बाकी ऐसा कहते हैं कि अगर आपको किसी को देना है, देने के लिए आप शॉपिंग कर सकते हो। तो मैं ऐसा करूंगी, गोलू को मैं दे दूंगी, गोलू मुझे दे देगी। है गोलू? ठीक है, मैं तुझे दे दूंगी सूट, तू मुझे दे दियो सूट। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग ले लेंगे। तो निकलते हैं हम, क्योंकि यार अर्जेंट है ना लेना कपड़े। अच्छा, निकलते हैं। बहुत सारे लोगों को इच्छा है कि मैं अपना डाइट प्लान आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि वो भी मेरी तरह जो है जल्दी जो है स्लिम हो जाएं। तो देखो, एकदम से कोई स्लिम नहीं होता। 6 महीने हो गए मेरा जो वेट है, 6 महीने मुझे लगे वेट लूज करने में, और मैंने क्या क्या लिया है डाइट में वो सब मैं आपको बता दूंगी। और मैं अपना ये भी दिखा दूंगी कि मैं कब कैसी थी और अब मतलब जितना भी मेरा मैंने चेंज किया है बॉडी को, वो मैं सब आपको फोटो के साथ दिखाऊंगी। तो गाइस, अब जाकर जो मेरा फीवर है ना थोड़ा सा नॉर्मल हुआ है, और मैंने कोई भी लापरवाही नहीं करी। मुझे जैसे कल रात को कोल्ड हुआ था ना, मैं फटाफट दवाई मंगवा ली कोल्ड की और खा ली, और ना साथ ही साथ ना अभी डोलो भी खा ली है, और डोलो हर 6 घंटे में रिपीट करनी है। मुझे ऐसा लगेगा ना कि फीवर हो रहा है तो मैं खा लूंगी, क्योंकि जब से दवाई खाई है ना तब से इतनी ज्यादा स्वेटिंग हो रही है ना, बहुत ही ज्यादा। और मेरा फीवर कैसा है ना, साल में ना एक बार आता ही आता है। पहले जब जैद जैसे मेरे पेट में आया था ना, जब मैं प्रेगनेंट होती, मुझे डेट भी याद है अभी तक, 16 अगस्त, ठीक है, उस दिन मैंने चेक किया था अपनी प्रेगनेंसी और पॉजिटिव था, तब मुझे फीवर आया था। उससे पहले फेब में आया था। तो मतलब कि ना साल में एक बार फीवर आता है, बहुत ही ना गंदा होता है, मेरी तबीयत ऐसी हो जाती है ना, नहीं तो मैं हमेशा एक्टिव रहती हूँ, पर आज ना सुबह से ना थोड़ा ऐसा लग रहा है हाँ यार कोई ना कोई कमी है शरीर में, एक्टिवनेस कहीं चली गई ना। घर में जैसे कोई खेती कुती, जैसे हमें तोरी की बेल लगानी है या घी की बेल लगानी है, वो सब भी लगवानी है, तो वो भी लगाओ हमारे गमले आते हैं ना, हाँ तो वो भी लगाओ ना, आप ला के लगाओ। तो आप किस दिन मतलब? हम हमेशा घर पे ही रहते हैं। 12 महीने फूल आता है मेरे पास। इसमें से एक हाइब्रिड वाला आता है, एक मतलब देसी आता है, जो देसी वैसे पत्ते कम फूल ज्यादा आता है। वो कहाँ देसी? ये देसी वाला, ये आपके यहाँ हाइब्रिड वाला लगा। हेलो हेलो ट्विंस, आज साथ में बैठी हो जोड़ी, आज साथ में बैठी है जोड़ी, आज भाई के साथ नहीं बैठी। जय जय कुछ भाभी। तो ये वाला जो सूट है गोलू ने ट्राई किया, वैसे तो सब ठीक है, पर ना ये बहुत सुंदर लग रहा है, ये ऊपर का दुपट्टा तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है इसका, पर हमने जंपसूट में नहीं चाहिए था, हमें सूट में चाहिए। और वैसे भी मेरे को शॉर्ट है इसका, और ये गोलू को शॉर्ट है, इसके साथ गोलू हील्स नहीं पहन सकती बिल्कुल भी, लेकिन बहुत ज्यादा प्रिटी लग रहा है। बट ना मेरे हिसाब से ये कपड़ा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ना कपड़ा बहुत जल्दी क्रश हो जाएगा। हाँ, क्योंकि बच्चों को गोद में लेना, कहीं हम पार्टी में जाएंगे ना वो लुक नहीं आएगी, कपड़ा वो लो जो क्रश ना हो। तो पायल ने ये वाला सूट पहना है, तो इस सूट के ना क्या दिक्कत है जो मुझे लग रही है? वो ये दिक्कत है पायल, सूट तो बहुत सुंदर है, बड़ी जो कपड़ा है ना ये बहुत ज्यादा अनक्रश है, शायद यहाँ पे दिख रहा होगा। तो जब हम लोग फंक्शन में जाएंगे ना, बेबीज को पकड़ा होगा, तो बहुत दिक्कत आएगी, फिर ये सामने से ना सूट की लुक नहीं आ रही। वैसे तो अच्छा लग रहा है, बट ये अनक्रश हो जाएगा सूट। लेकिन कलर बहुत सुंदर है इसका, कलर हाँ कलर अच्छा है। तो गाइस ये वाला जो सूट है, दिस इज माय चॉइस, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया था, बहुत ज्यादा, और ये सूट पायल को आ गया, बहुत ही सुंदर लग रहा है, पाकिस्तानी सूट बहुत सुंदर है, सच में बहुत सुंदर है, नो डाउट। और लिश लिश कर रहा है, सबसे ज्यादा सुंदर मुझे यही सूट लगा था, जितने सूट मैंने जब पूरा गेटअप होगा ना, तो गेटअप के साथ तो बहुत ही अच्छा लगेगा। ये डन है सूट, ये तो ले लो। तो ये मैं इसको डन कर लेती हूँ। हाँ ये भी बहुत सुंदर लग रहा है, पर ना इसका ना बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है 2-2 इंच वो कराना पड़ेगा, हल्का सा टाइट कराना पड़ेगा, आधा आधा पजामा भी कटेगा, अच्छा लग रहा है, बहुत लंबा है। हाँ अच्छा हाँ बहुत। एक वो और पहन के आते, ठीक है वो बताइए वो कैसे है। ठीक है, मुझे इतना खास नहीं लग रहा है, इंडो वेस्टर्न हो गया ना। हाँ वो अच्छा लग रहा था, ब्लैक वाला और पिंक वाला, ब्लैक में फिट भी लगता है इंसान, लंबा भी लगता है। तो ब्लैक ही कंफर्म कर लूं? ब्लैक कंफर्म कर लूं। मैं कपड़े पहन के आती हूं, फिर तू ट्राई कर ले। तो गोलू ने लिया है व्हाइट में ब्लैक, मैंने लिया है ब्लैक में व्हाइट, दोनों का कॉम्बिनेशन सेम ही हो गया ना। हाँ। गोलू को भी इसका साइज मिल गया, तो ये वाला जो हमने फाइनल कर लिया। अच्छा लग रहा है? हाँ अच्छा लग रहा है, इसको देखो फिटिंग कराने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी पूरा ठीक है ना। मुझे वो ना शरारे वाला लेने का मन नहीं था, क्योंकि क्या है कि ना शॉर्ट कुर्ती में ना थोड़ा इंसान और हेल्दी लगता है, जो थोड़ा हेल्दी होना उसको स्ट्रेट कपड़े पहनने चाहिए, तो ये सही लग रहा है। इसको वो करा ले फाइनल। तो गाइस ब्लैक एंड व्हाइट सूट पसंद करने के बाद ना दो सूट हम यहाँ से स्टिच कराते करवा रहे, क्योंकि लास्ट टाइम ना थोड़ी स्टिचिंग की प्रॉब्लम हो गई थी, सोचा जहाँ से सूट ले वहाँ से स्टिच करवाते हैं। तो अभी दो सूट है हमने सेमी स्टिच लिए, तो उनको भी स्टिच कराने के लिए दे दिया, वो थोड़े दिन बाद मिलेंगे। तो गाइस एक ये सूट लिया है और एक सूट ये लिया है, ये दोनों को ना स्टिच करवाना है, क्योंकि सूट ना ले लो ना, सूट ले लो उसके बाद स्टिचिंग ना हो ना, तो सूट की ना जो लुक है ना वो अच्छी नहीं लगती। तो ग्रीन सूट की बड़ी मुश्किल से हमें फिटिंग आई थी, तो इस बार देखते हैं इसकी फिटिंग कैसी आएगी। और ना मैं और पायल सोच रहे हैं कि देखते हैं करवा चौथ के टाइम सरगी के टाइम कुछ यहाँ से ना अच्छा सा सूट लेके जाएंगे, थोड़ा हैवी क्वालिटी के अंदर। तो फिलहाल मैं और गोलू आ गए हैं घर पे, अब गोलू कह रही मैं दवाई खाऊंगी कोल्ड की, फिर से मन का ठीक है तू खा ले, और मैं भी सर दर्द की गोली खाऊंगी। और साथ ही साथ गाइज आप लोग बहुत ज्यादा इच्छुक हो गई है जानने के लिए कि मैं अपनी डाइट में क्या ले रही हूँ, गोलू अपनी डाइट में क्या ले रही है, कि हमारा वेट लूज हो रहा है। तो मैं भी घर जाके आपको डिटेल में बताती हूँ कि क्या क्या लेना है, कैसे लेना है, जबान पे कंट्रोल करना आपके हाथ में है, डाइट में बता दूंगी। हाँ जी टुपा और टुपू
कहा की बिटी है कैसी नाराज नाराजी लग रही है मम्मा से सुंदरी मेरी बात का जवाब ही नहीं दे रही अभी प्लेट से निकाल ली बेटा अभी नहीं खानी कल अनुप्राशन हुआ है अभी रोटी खाने की एज नहीं हुई आपकी रोटी खाने की एज में अभी शहर दे देंगे हम रोटी दे देंगे लेकिन अभी नहीं बेटा क्या चाहिए आपको बताओ तो यहाँ पे भी ना जैद लेटा हुआ है और सारे बच्चे मस्ती कर रहे हैं मस्ती तो गाइस कल ना घर पे पनीर बना था इतना टेस्टी पनीर था ना चीकू को ना बहुत ही कम डिशेस पसंद है मुझे भी बड़ा टेस्टी लगा और वो ना कम बना था होता क्या है जब चीज ज्यादा बनती है ना तो लोग खाते नहीं है बट जब चीज कम बनती है ना तो बहुत टेस्टी बनती है 5-10 दिन से ऐसा हो रहा है गाइस रोटी बन रही है रोज रात को ना 17-18 रोटी बनती है हमारे यहाँ क्योंकि सबके हिसाब से पर मेरे को ऐसा लग रहा है 5-6 दिन से कोई रात की रोटी नहीं खा रहा कोई भी नहीं खा रहा कल 10 बनी थी कल और सब्जी इतनी टेस्टी थी खत्म हो गई रोटियां मतलब इतनी टेस्टी थी वो रेसिपी अगर आपको चाहिए ना सच में उंगली ना चाटते ऐसे चाटते रह जाओगे इतनी टेस्टी और शांति मुझे बता रही थी गाइस कि ना उसके अंदर कुछ भी नहीं है कह रही दीदी सिर्फ और सिर्फ देगी मिर्च का ना टेस्ट है बहुत ही सिंपल रेसिपी है बट इतनी टेस्टी ना अब ज्यादा नहीं बोलूंगी मैं रेसिपी दिखाऊंगी आपको कल शांति को बोलती हूँ बनाए बहुत प्यारी रेसिपी मैंने दी थी शांति को काम करी तू ही बता दियो रेसिपी मैं ही बना के दिखा दूंगी तो गाइस आप लोग मेरी डाइट पूछना चाह रहे थे कि मैं डाइट क्योंकि मेरे ऊपर बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि प्लीज आप वेट लूज डाइट मुझे बताओ तो सबसे पहले देखो जैसे कि आप लोगों को पता मेरी प्रेगनेंसी थी उसके बाद में मेरा जो है रसोली का ऑपरेशन भी हुआ था तो मैंने क्या है मैंने कॉन्टिन्यूज अजवाइन का पानी पिया है जब भी खाना खाने के बाद में अजवाइन का पानी पीती थी सुबह उठते ही लुकमूम वाटर में हनी और लेमन 1/4 लेमन और 1 चम्मच हनी हनी कौन सा लेना है शुगर फ्री वाला शुगर वाला नहीं लेना जो बिल्कुल ऑर्गेनिक होता है वो लेना है और खाने के अगर आपको पूरा पूरा दिन का चार्ट चाहिए तो मुझे कमेंट जरूर करना नेक्स्ट व्लॉग जो है मैं पूरी डाइट का बनाऊंगी और मैं आपको अपनी फोटोज दिखाती हूँ कि ये मैंने पहली बार नहीं किया मैं अपना वेट जब भी मेरा पुट ऑन होता है उसे बहुत इजीली क्योंकि मेरा मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा है और ये डिपेंड भी करता है कि आपका मेटाबॉलिज्म कैसा है कुछ लोग होते हैं जिनको पानी से ही बॉडी जो है वो फूल जाती है और कुछ लोग रहते हैं कितना भी खा लें उनका वेट नहीं वो होता है तो मेरा मेटाबॉलिज्म ऐसा है कि मेरा अगर वेट बढ़ जाता है तो मैं उसे कम भी कर लेती हूँ और मैं बाकी जो जितनी भी मेरी ये डाइट है ना वो मैं आपको अगर आपके कमेंट आए बहुत सारे तो मैं आपको जो है पूरी डाइट दे दूंगी अदरवाइज मैं अपना वो दिखाती हूँ कि मैंने कितना लूज किया कैसे तो ये जो फोटो देख रहे हैं आप 2013 में तो मैं बहुत ज्यादा स्लिम थी बहुत ज्यादा जब 2011 में इनसे मिली थी 2 साल तक मैं बिल्कुल स्लिम थी उस टाइम भी मेरा एक्चुअली आप सबको पता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई थी मेरी तो मेरा एक और जो है ऑपरेशन हुआ था ऑपरेशन के बाद मैं बहुत ज्यादा पतली हो गई थी ये देखा आपने फिर मैंने ना मोटा होने के लिए इंडोरा मास्क खाया था फिर जाके मोटी हुई थी उसके बाद मैं मोटी हुई 2016 में जब चीकू हुआ था 2016 में तब मैं मोटी हो गई थी और मतलब 2016 के बाद फिर मैंने अपना वेट लूज किया चीकू होने के मतलब ये 6-7 महीने बाद मेरा वेट लूज कम होने लग गया था क्योंकि मैंने ये सेम अजवाइन का पानी और डाइट में जो है रात को नमक बिल्कुल नहीं लेती आप अब अगर अपनी डाइट में नमक रात को बिल्कुल छोड़ देंगे ना तो आपका जो है बहुत जल्दी रिजल्ट आएगा बाकी जो खाने की डिश है जो भी कुछ है मैं लिक्विड ज्यादा लेती हूँ जैसे दूध हो गया लस्सी हो गया जूस हो गया नारियल पानी हो गया ये ज्यादा लेती हूँ प्रोटीन शेक हो गया अपनी उसमें डाइट में प्रोटीन शेक तो लेना ही लेना है क्योंकि बच्चों को फीडिंग भी करानी पड़ती है ना और डिनर में कुछ ज्यादा नहीं बना है डिनर में सिर्फ और सिर्फ दाल बनवाई है क्योंकि ज्यादा कोई खाना खाता नहीं है तो हमने दाल ही बनवाई है इनका वेस्ट ना हो चीज तो यहाँ पे जो है दाल रखी हुई है और दूध होने वाला है दूध को कर देती हूँ गरम और ये जो पतीला ना गाइस सीरियसली बहुत अच्छा पतीला है अगर आपको भी अपने घर में दूध के लिए कोई पतीला लेना हो तो ये 7 स्टील का पतीला है 7 स्टील इसमें जो बहुत अच्छा रहता है कोई भी चाहे आप इसमें कुछ भी बना लो इसमें जैसे घर पे बहुत सारे गेस्ट आ जाते हैं तो इसमें सब्जी भी बन सकती है खीर वीर जो भी कुछ बनाना हो हम इसमें ज्यादातर जो है दूध गर्म करते हैं और 7 स्टील में अगर आपको भी लेना हो तो आप ये ले सकते हैं तो गाइस आज मैंने पहना है फाइनली नया नाइट सूट बहुत टाइम बाद क्योंकि ना मुझे ठंड लग रही थी और ये ठंड वाले नाइट सूट मैंने पहले मंगाए थे पहले पतले फिटिंग है बिल्कुल और ये जो नाइट सूट है ज्यादातर हम टीजन मोर से लेते हैं हाँ वहीं से आया बहुत ही प्यारा स्टफ है मतलब ऐसे हाथ लगाई हूँ ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कुछ वियर ही नहीं करा इतना हल्का क्योंकि रात को पहनने के लिए ना कंफर्टेबल कपड़े होना बहुत जरूरी है तो गाइस जैसे कि पता है ना आपको कि जैद की राइस सेरेमनी हो गई थी तो ये वाला वंडर शेफ का न्यूट्री कप मैं दोबारा लेकर आई हूँ क्यों लेकर आई हूँ मेरा पहले वाला जो कप था ना जो बच्चे है ना उन्होंने क्या किया इसमें जो डबल क्लिक होता है इलेक्ट्रॉनिक होता है इसको ना धो दिया और ये खराब हो गया क्या करना होता है अगर आपको धोना भी होता है ना तो आपको सिर्फ ये चीज वॉश करनी होती है ये इस चीज को वॉश नहीं करनी होती गीले कपड़े साफ करने होते ध्यान से तो अभी क्या जैद का स्टार्ट हो गया तो मैं सोच रही हूँ आज एक काम करती हूँ गाइस दूध निकलने से बचा लिया ओहो डर गई मुझे पता नहीं मुझे ऐसे क्या लगा मैं बिल्कुल लगा क्या
पियाओगे दूध 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 दूध। तो आज ना पायल बनाएगी बच्चों के लिए नहीं सॉरी बच्चे के लिए एप्पल है वो प्यूरी तो वो भी खा सकते हैं दोनों। नहीं नहीं पायल पहले राइस सेरेमनी करेंगे। बाबू अन्न थोड़ी दे रही हूँ मैं उन्हें। अच्छा फ्रूट दे। अच्छा ऐसे तो निबलर में भी दिया था। हाँ निबलर में नहीं दिया था हमने वो। क्या काम करती है एप्पल प्यूरी की रेसिपी दे देती है। मैं एप्पल प्यूरी मैं आपके साथ भी बनाऊंगा और खाऊंगा भी। चीकू को खाता था बचपन में। चीकू को तो मैं पता नहीं क्या क्या देती थी याद ही नहीं। तो एप्पल जो है बॉईल हो चुका है अब हम कर देंगे गैस को बंद। अब इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे और जब ये ठंडा हो जाएगा ना गाइस तो इसको जो हमने वो भी दिखाया था ना अभी उसमें इसको मिक्स करके प्यूरी बनाएंगे इसकी और वो देंगे बच्चों को। अब मुझे ऐसा लग रहा है इन लोगों ने पानी थोड़ा ज्यादा कर दिया तो पानी कम करना पड़ेगा। पानी बहुत ज्यादा है इसके अंदर। तो गाइस आज ना मैंने बच्चों के लिए तेल बनाया है और ना ये जो तेल है ना बहुत ही अच्छा है मतलब इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। मुझे मम्मी ने बताया था कोल्ड और कफ के लिए बोलते ना कि घर में बड़े बुजुर्ग का होना बहुत जरूरी है। तो जैद ने मेरा कैमरा पकड़ लिया। जैद मैं बता रही हूँ ऑयल के बारे में रुक जाओ। तो ये ऑयल में क्या है मैंने ना इसमें सरसों का तेल लिया है और सरसों के तेल के अंदर ना 6-7 ना गार्लिक लिए लहसुन लिए उनको क्रश करके डाल दिया और साथ में अजवाइन डाल दिया और इस तेल को ना ठंडा होने के लिए रख दिया। तो अब मैं इस ऑयल को स्ट्रेन कर दूंगी। स्ट्रेन करने के बाद इनकी बच्चों की चेस्ट पे और पैरों पे लगाऊंगी। जैद बिल्कुल आप तो ब्लॉगिंग करने नहीं दे रही बेटी क्या तो खुद कर लो। मैं काम करती हूँ मैं नहीं करती ब्लॉगिंग आप भी दोनों ठीक है आप भी कर लो बेटू गुबलू बच्चों मैं गुबलू। तो बस गाइज अभी हम लोग मैं जा रही हूँ चीकू को सुलाने क्योंकि उसे जाना है सुबह स्कूल। तो इस वाले व्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी जाके सब्सक्राइब करो लाइक करो कमेंट करो शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और जाते जाते मेरा नाइट शूट देखो कैसा लग रहा है कमेंट करके बताना कैसा लगा। बाय बाय गाइस गुड नाइट।